Hello dear students, I am welcoming all of you in this new session of the biology और इस session में हम लोग बात करने वाले हैं botany के आगे के lectures में और आगे के lectures में हम लोग क्या discuss करेंगे उसको जानने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के top most educators अब आपके साथ जुड़ चुके हैं Unacademy के Placebo platform में. बच्चों Unacademy का Placebo platform join करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले Unacademy Placebo का एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और अगर आप उसका प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करते हैं तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं कि आप इस ऑफर को या इस सब्सक्रिप्शन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे. तो बच्चों चलो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप Unacademy के प्लेटफॉर्म में कितने टॉप क्लास एजुकेटर से जुड़ने वाले हैं. बच्चों आप मेरे से पढ़ने वाले हैं अमित दीक्षित सर से, आप आशुतोष सर से पढ़ने वाले हैं, आनंद सर से, रोहित सर से, ऋतु मैम से, इन सब लोगों की क्लास आप लेने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं. और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कितनी डाइवर्स टाइमिंग है सब लोगों की, अलग अलग टाइमिंग, जो भी टाइम आपको सूट करता है आप उस टाइम को फॉलो कर सकते हैं. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखिए इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे, आज जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा, आज टॉपिक हम लोग कवर करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सॉन. कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये दो चीजें आज हम लोग, एक इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करने के पहले आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में तो बताना बहुत जरूरी है ना. तो चलिए मैं आपको इनके प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूं और अपने बारे में थोड़ा सा. तो सबसे पहले जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से डिफरेंट टाइप की क्विजेज और डिफरेंट टाइप के टेस्ट देने का बेनिफिट मिलता है. बच्चों अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, क्विजेज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी स्टडी को एनालाइज कैसे करेंगे, कौन से पैरामीटर पर एनालाइज करेंगे कि आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन सही है या डायरेक्शन सही नहीं है. वो तो तभी पता चलेगा ना कि जब आप डिफरेंट क्विजेज और डिफरेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे. इसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर पढ़ाई किया और डाउट आ गया तो उसे कौन सॉल्व करेगा, हम सॉल्व करेंगे. तो ये फैसिलिटी आपको प्लस प्लेटफॉर्म में मिलती है कि आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं. लाइव सेशंस, कोई भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं होता, हर एक सेशन कैसा होता है, लाइव. इस लाइव सेशन का मतलब ये होता है कि जब लेक्चर चल रहा होता है उसी समय आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं कि आपको क्या सवाल पूछना है, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको नहीं समझ में आया, ये सब चीज़ें. और पर्सनलाइज लर्निंग होती है, जब आप अकेले बैठ के पढ़ाई करते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने किसी पर्टिकुलर चैनल पर या अपने किसी पर्टिकुलर टैब पर या मोबाइल पर, तो आपको वहाँ पर ऐसा फीलिंग आता है कि ये क्लास सिर्फ मेरे लिए ही चल रही है और उससे आपको अटेंशन ज़्यादा समझ में आता है कि फैकल्टी बहुत अटेंशन ले रहा है आपके ऊपर. और यही तो आपको चाहिए, जब आपको यह फील होने लगता है कि हमारे ऊपर अटेंशन लिया जा रहा है, हमारे ऊपर फैकल्टी थोड़ा हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, तो बस वही पर्सनलाइज लर्निंग और केयरिंग का जो पॉइंट है वो आपको आगे ले जाता है, आपको बहुत मदद करता है. तो आगे चलते हैं आप नेक्स्ट. और आगे मैं आपको बताऊं कि ये सब इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स हैं जो आपके लिए तैयार हैं, आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं. ऋतु मैम हैं और सभी लोग, जितने भी फैकल्टीज हैं वो सब आपको लेक्चर देने के लिए रेडी हैं. तो इनका लेक्चर अगर अटेंड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इनमें से कोई एक कोर्स ऑप्ट करना होगा. तो आप मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, 12 मंथली, 24 मंथली, कोई भी एक कोर्स ऑप्ट कर लीजिए. ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा. इस कोर्स की मदद से आप क्या करेंगे, इस कोर्स की मदद से आप अपना नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं. तो मैं कौन सा रिकमेंड करूंगा आपको, मैं रिकमेंड करूंगा आपको 12 मंथ वाला कोर्स. क्यों, क्योंकि जो फीस आपको 5,000 रुपये पर मंथ देनी होती है
आप अगर ये कोर्स ऑप्ट करते हैं तो आपको 25,000 रुपीज में काम चल जाता है, और 25,000 रुपीज का मतलब हुआ लगभग 2,000 रुपीज पर मंथ ये फीस आपको पे करनी होती है, यानी कि लगभग 60% का, 58% का आपको ऑफ मिलता है। तो अब इतना आपको स्कॉलरशिप मिल रही है पढ़ने के लिए, तो आप इस ऑफर को छोड़ नहीं सकते। और हाँ, इस स्कॉलरशिप में भी एक और स्कॉलरशिप है मेरी तरफ से। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं Amit10, तो इस कोड को अप्लाई करते ही आपको 10% का और एडिशनल स्कॉलरशिप मिलता है, और आपकी फीस अब कितनी हो जाती है, आपकी फीस 22,500 फॉर 24 मंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है कि आप इस ऑफर को ना लें। कितना ये पॉकेट फ्रेंडली है आपके लिए, है ना। लेकिन एक कोर्स और है हमारे पास आपके लिए, वो है 24 मंथ का। अगर आप 24 मंथ का ऑफर लेते हैं तो इस प्लान में आपकी फीस 5,000 रुपया पर मंथ के बजाय मात्र 1,667 रुपया पर मंथ हो जाती है। और इस फीस में आप में आपको देखिए, आपको लगभग 70% का ऑफ मिलता है, 70% का। और 24 मंथ के बजाय 24 मंथ की फीस आपकी बनती है 40,000। और अगर आप इसे 40,000 पे करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और ऑफर देता हूं। आप Amit10 कोड अप्लाई करिए, और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे, आपको क्या पता चलेगा, अमित कोड अप्लाई करते ही आपको यहां पर फीस हो जाएगी 36,000। फीस कितनी जाएगी, 36,000। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको प्लस कोर्स जरूर सब्सक्राइब करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स बच्चों, आप ऐसे समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है समझना ये कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है। बच्चों मानो कि आपको किसी का इलाज करना है, आप डॉक्टर बन गए, बन ही जाओगे, माई ऑल बेस्ट विशेस विद यू टू बिकम ए गुड डॉक्टर। और आप केवल डॉक्टर ही ना बनो, आप एक बड़े डॉक्टर बनो, एक महान डॉक्टर बनो, मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो बच्चों मान लीजिए कि आप जो है एक डॉक्टर बन गए, और आपको किसी का ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, कोई पेशेंट है, उस पेशेंट का इलाज करना है। तो अगर आपके पास इलाज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है, सिरिंज नहीं है, मेडिसिंस नहीं है, बेड नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए डिसेक्शन बॉक्स नहीं है, तो बताओ क्या आप ट्रीटमेंट कर पाओगे? आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका टैलेंट काम आएगा, ठेंगा काम नहीं आएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका टैलेंट बेटा तभी काम आएगा जब आपके पास सारी डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट हों। बच्चों इसी तरह से सारी टैक्सोनॉमी बेकार है, जीरो है, व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है, अगर आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स ना मिले। बिना टैक्सोनॉमिकल एड्स के, माने टैक्सोनॉमिकल हेल्पिंग डिवाइसेस के, आप टैक्सोनॉमी में कुछ भी नहीं कर सकते, बेकार। तो वही मैं आपको समझाता हूं। देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब टू इनहेंस द स्टडी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमिकल एड्स आर मेड। ये इसलिए बनाए गए ताकि टैक्सोनॉमी को और बेहतर और सुविधाजनक बच्चों के लिए बनाया जा सके। तो जब उसको सुविधाजनक बच्चों के लिए बनाया जाता है तो उसी को कहते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये और सो दीज आर, यानी कि टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द हेल्पिंग मटीरियल फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। बात समझ में आई? आपको टैक्सोनॉमी करनी है, टैक्सोनॉमी करनी है। अब टैक्सोनॉमी में आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, और क्या करना होता है आपको, आइडेंटिफिकेशन, और क्या करना होता है, नॉमेनक्लेचर, और क्या करना होता है,
नॉमेनक्लेचर के अलावा आपको और क्या करना होता है, आपको क्लासिफिकेशन और कोई चीज करनी होती है, एफिनिटी भी एस्टैब्लिश करनी होती है। एफिनिटी, तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं, एफिनिटी, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें आप जब करते हैं, तो इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास कुछ डिवाइसेस का होना बहुत जरूरी है, और वो डिवाइसेस ही टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। अब सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स मैं आपको बताता हूं, नंबर वन, दैट इज हार्बेरिया, दैट इज कॉल्ड हार्बेरिया। ये सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स है। तो हार्बेरिया क्या है, देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि हार्बेरिया इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, एंड द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हार्बेरियम शीट इज 41x29 सेंटीमीटर, एंड अगर इसको इंच में बताएं तो 11.5x16.5 इंच, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। माने हार्बेरियम पहली बात तो है क्या, ये तो डेफिनेशन की तरह मैंने पढ़ के सुना दिया कि हार्बेरियम ये है, लेकिन आपने भी तो हार्बेरियम बनाई होगी अपने कॉलेज टाइम में, अपने प्रैक्टिकल के लिए, कि बाजार से खरीद के ले आए थे या अपने कॉलेज गए थे और पुरानी हार्बेरियम निकलवा ली थी। अरे मैं उसी हार्बेरियम की बात कर रहा हूं जिसको आपने बनाया ही नहीं कभी, दूसरे की हार्बेरियम से दूसरे लोग काम चलाते रहते हैं, हार्बेरियम बनती रहती है। मगर आज हम हार्बेरियम के उपयोग की बात करेंगे, उसके यूटिलिटी की बात करेंगे। तो उसकी बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि हार्बेरियम को कहते हैं ड्राई गार्डन, माने हार्बेरियम एक सूखे बगीचे की नुमा होता है, और हार्बेरियम में सभी प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। बच्चों प्रिजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना लंबे वक्त तक। देखिए एक होता है प्रिजर्व, एक होता है कंजर्व, एक होता है संरक्षित करना, माने किसी चीज को जो मर गई है उसको एज इट इज बनाए रखना, जैसे मम्मी बनाए जाते थे पुराने वक्त में, तो वो प्रिजर्व कर दिया। और एक होता है कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है वो जीवित है, उनको जीवित कंडीशन में बचा के रखना, तो वो होता है कंजर्वेशन। तो दोनों में फर्क है। तो बेटा हार्बेरियम इज अ मैथ, इज अ मैथड ऑफ नोट काइंड ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें हम प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि वो पुराने वक्त के प्लांट, आज के प्लांट, जो आज दुनिया में प्लांट नहीं है, वो वाले सभी प्लांट्स को हम रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर कर सकें। अच्छा उससे फायदा क्या होगा, उससे बच्चों फायदा ये होगा कि अगर हमारे पास हर एक प्लांट का रिकॉर्ड होगा, पुराने वक्त में पाए जाने वाले प्लांट्स का, तो हम उनको पढ़ाई करके बता सकते हैं कि आज के प्लांट की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराने प्लांट्स के रिकॉर्ड पढ़ेंगे और नया प्लांट जो डिस्कवर किया है दोनों की मैचिंग कराएंगे, और जो आज के प्लांट के कैरेक्टर है और पुराने प्लांट के कैरेक्टर हैं उन दोनों को मैच कराएंगे, और हम पता लगा सकते हैं कि नए कैरेक्टर्स की ओरिजिन कैसे हुई, नए नए कैरेक्टर ओरिजिनेट कैसे हुए, है ना। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। तो यहां पर ये हार्बेरियम, अच्छा हार्बेरियम का एक स्टैंडर्ड साइज है, ऐसे एक लंबाई है इसकी और ये इसकी चौड़ाई है, लेंथ एंड विड्थ, इट इज स्टैंडर्ड एंड फिक्स। ये लगभग इसकी जो ये लंबाई है दैट इज 41 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है ये 29 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार BHU जब एंट्रेंस एग्जाम होते थे अलग अलग, तब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा हार्बेरियम बनाने का एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल सीक्वेंस है हार्बेरियम बनाने का। तो सबसे पहले हार्बेरियम बनाने का जो मेथड है, सीक्वेंस ऑफ मेकिंग हार्बेरियम, उसकी अगर बात करें तो देखिए हार्बेरियम प्रिपरेशन, हार्बेरियम प्रिपरेशन में 7 स्टेप लगभग होते हैं, 7 स्टेप, और 7 स्टेप में हार्बेरियम बनके तैयार होती है। बच्चों पहले स्टेप का नाम है, द फर्स्ट स्टेप इज
कलेक्शन, कलेक्शन के बाद दूसरा स्टेप ड्राइंग सुखाना, तीसरा स्टेप पॉइजनिंग, अगला स्टेप कलेक्शन ड्राइंग पॉइजनिंग, माउंटिंग, फिर स्टिचिंग, और स्टिचिंग के बाद लेबलिंग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में असाइनिंग या क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनको आप स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी हार्बेरियम बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्टेप कैसे फॉलो होते हैं। देखिए ये स्टेप सिंपली, ये देखिए आपके सामने एक हार्बेरियम है। अब देख रहे हैं इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये एक पिलर है, दिस इज अ पिलर। इसके एक अलमीरा यहां रखी है, एक अलमीरा ये अलमीरा है, ये भी अलमीरा है, ये भी अलमीरा है, ये भी अलमीरा है, और ये सारी अलमीरा में एक अलमीरा ये खुली हुई है ये वाली। और इस अलमीरा के अंदर देखिए कितनी सारी फाइल रखी है, एक ये फाइल, ऐसे बहुत सारी फाइल रखी हुई है। यहां पर देखिए कितनी फाइल रखी हुई है, देख रहे हैं आप, अलमीरा खुली हुई है, फाइल रखी हुई है, और एक टेबल यहां पर है, ये इस टेबल के ऊपर एक फाइल ओपन रखी हुई है, यहां पर भी एक टेबल, यहां पर भी। बच्चों ये सब हार्बेरियम ही हैं, ये सारी हार्बेरियम हैं जो अच्छे ढंग से रखी हुई हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि हार्बेरियम का प्रोसेस क्या है। तो जैसे पहला स्टेप मैंने बताया था कलेक्शन, है ना, कलेक्शन। जब हम किसी प्लांट का हार्बेरियम बनाते हैं तो सबसे पहले प्लांट को कलेक्ट करना होता है। अब प्लांट कैसा कलेक्ट करोगे, जो भी आप प्लांट कलेक्ट करोगे वो प्लांट कैसा होगा, वो पर्टिकुलर प्लांट होगा, अच्छे समझिएगा, वो पर्टिकुलर प्लांट होना चाहिए हेल्दी और कंप्लीट। अगर आपने बीमार और अधूरा प्लांट हार्बेरियम के लिए सिलेक्ट किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो हार्बेरियम नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो भी अथॉरिटीज होंगी, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे या टैक्सोनॉमिस्ट होंगे या जो स्कॉलर्स होंगे, वो उस हार्बेरियम को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपने गलत कलेक्शन कर लिया। आपको कैसा प्लांट कलेक्ट करना था, आपको प्लांट करना था कलेक्ट जो हेल्दी हो और कंप्लीट हो। तो कलेक्शन के लिए प्लांट मस्ट बी, प्लांट मस्ट बी हेल्दी एंड कंप्लीट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हार्बेरियम से रिलेटेड एक और है, वो है उसको ड्राई करना, सुखाना। तो हार्बेरियम को सुखाते क्यों हैं और कैसे हैं? अब ऐसा तो नहीं करेंगे कहीं से कोई प्लांट तोड़ के लाए हार्बेरियम बनाने के लिए और घर में कढ़ाई रखा और उसमें हार्बेरियम डाला और नीचे से गैस ऑन कर दी, माचिस लगा दी और आराम से खड़े हो गए, भैया सूख जा, अरे वो जल जाएगा यार, ऐसा थोड़ी सुखाते हैं। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि बस अपने हार्बेरियम को तोड़ के लाए, उसको धूप में डाल दिया, आराम से वो ऐसे करके टेढ़ा हो गया, सूख गया, नहीं, ये भी गलत तरीका है। ना तो हम उसको धूप में सुखाते हैं, ना ही गरम गरम तवे में और कढ़ाई में सुखाते हैं, हम उसे ब्लॉटिंग पेपर में ऐसे बंद करके दबा देते हैं और किसी भारी चीज से प्रेस कर देते हैं, तो उसके अंदर जितना मॉइस्चर होता है सब वो सूख जाता है। यानी कि ड्राई करने के लिए वी यूज ब्लॉटिंग पेपर, और अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर, इन दोनों को इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, इन दोनों को इस्तेमाल करके सीधे सीधे आप प्लांट को प्रोड्यूस हार्बेरियम को रेडी कर लेंगे। लेकिन दबाते समय इस बात का ध्यान रखना कि दबा के भूल मत जाना कि किसी भारी चीज में दबा दिया अखबार न्यूज़पेपर के बीच में और नानी गांव चले गए गर्मी की छुट्टियां मनाने, 3 महीने बाद लौट के आए तो देखा आपने उसी आपके न्यूज़पेपर की सारी खबरें जो थी वो आपके हार्बेरियम में छप गई कि धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई। ओ माय गॉड, आपका क्या बन जाएगा, जो हार्बेरियम है
वो न्यूज़पेपर की सारी खबरें चिपका लेगा। तो उसे 24 घंटे 48 घंटे में बदलते रहना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको ड्राई करने पर भी ध्यान देना चाहिए अच्छे से। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हम अपने हार्बेरियम को ड्राई क्यों करते हैं। तो बच्चों, हम अपने हार्बेरियम को इसलिए ड्राई करते हैं ताकि उससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अच्छा, मॉइस्चर ख़त्म होने से क्या बेनिफिट होता है? मॉइस्चर ख़त्म होने से बेनिफिट ये होता है कि जितना भी उसमें चीज़ें सूख गई थी, जितनी भी चीज़ें उसमें ड्राई हो गई थी, अब उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आपके जब कोई चोट लगती है, अगर वो घाव सूख जाता है तो उसमें फिर इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जब तक वो ड्राई नहीं होता तब तक इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो हम अपने हार्बेरियम को बच्चों इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन से रोकने के लिए हम अपने हार्बेरियम को सुखाते हैं। फिर अगला स्टेप क्या आता है, पॉइजनिंग, है ना। पॉइजनिंग क्यों करते हैं भाई हम लोग? पॉइजनिंग, आप सोचोगे जब सुखा लिया तो पॉइजनिंग करने की क्या जरूरत है? ठीक है, माना कि सूख गया, लेकिन सूखी हुई चीज में भी तो नुकसान हो सकता है, जैसे दीमक लग सकता है, जैसे चूहे कुतर सकते हैं। इतनी मेहनत से आपने एक हार्बेरियम बनाई, उसको चूहा कुतर गया, मूड खराब हो जाएगा आपका दीमक आ गया, पूरा मेहनत मेरी बर्बाद चली जाएगी। तो अपनी मेहनत को बचाने के लिए हम उसकी पॉइजनिंग कर देते हैं। और पॉइजनिंग किससे करते हैं? HgCl2, इस केमिकल से इसकी पॉइजनिंग करते हैं। इस केमिकल का नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट। और ये जो पर्टिकुलर केमिकल है, ये आपके स्पेसिमेन को वेट नहीं करता, गीला नहीं करता, उसमें मॉइस्चर नहीं लाता और पॉइजनिंग भी कर देता है। तो आपका स्पेसिमेन क्या होता है, या आपका जो हार्बेरियम है वो क्या होता है? वो हार्बेरियम रोडेंट से और टर्माइट से प्रोटेक्ट हो जाता है। इन्फेक्शन तो पहले नहीं हो सकता था और कोई उसको वैसे भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के बाद अगला स्टेप क्या आता है? पॉइजनिंग के बाद अगला स्टेप आता है, मैंने बताया था आपको, एक कलेक्शन था, एक ड्राइंग था, एक पॉइजनिंग था, अगला था माउंटिंग। तो यहाँ पर माउंटिंग के बारे में समझते हैं जरा। माउंट करने का मतलब क्या होता है? देखिए, माउंट करने का मतलब होता है अपने हार्बेरियम को हार्बेरियम शीट में भली भांति रखना। हार्बेरियम साइज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिया कुल्हाड़ी और चल पड़े हार्बेरियम के लिए प्लांट काटने और देते रे की प्लांट पूरा काट के गिरा दिया और फिर सर पकड़ के बैठ गए, हे राम, ये प्लांट तो बहुत बड़ा है, हमारे हार्बेरियम शीट का साइज तो बहुत छोटा है, दैट इज 41x29। तो भैया ये तो बहुत बड़ी गलती है, पहले ही देख लेते ना कि साइज तुम्हारे हार्बेरियम शीट का कितना है। इसी को तो माउंटिंग कहते हैं। माउंटिंग का मतलब अपने हार्बेरियम को हार्बेरियम शीट पर सही ढंग से रखना। मान लो ये आपका हार्बेरियम है और ये आपका बाजू में हार्बेरियम है, ये हार्बेरियम शीट है इधर और ये आपका हार्बेरियम है इधर, आपको इसे उठा करके इसके ऊपर रखना है। तो अगर ये ऐसे सीधे आ जाए तो ठीक है, वरना इसको ऐसे डायगोनल रख दो या ऐसे डायगोनल रख दो, इसको जिस ढंग से भी रखना है वैसे रखो, लेकिन आपको इस तरह से रखना है कि पूरी शीट में ये एडजस्ट हो जाए। बच्चों, इसी स्टेप का नाम होता है माउंटिंग। माउंटिंग माने भली भांति अपने हार्बेरियम को शीट पर एडजस्ट करना। गॉट इट? ये पॉइंट हो गया माउंटिंग का। माउंटिंग के बाद क्या है? स्टिचिंग, उसको चिपका दो, चाहे किसी टेप से, ग्लू से, गम से चिपका दो ताकि वो हिले डुले ना, वरना आप उसकी माउंटिंग करोगे, जैसे उसको बंद करोगे वो अपनी जगह से हिल जाएगा, तो माउंटिंग का फायदा भी क्या हुआ। इसलिए उसको स्टिच करना जरूरी है। और स्टिच के बाद लेबल, उसकी लेबलिंग करो, कि लेबलिंग करने का मतलब उसके कौन से पार्ट का क्या नाम है, रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है, फ्लावर क्या है, और साथ में एक इन्फॉर्मेटिव बॉक्स होता है, उसमें अपना नाम लिखो, लोकेलिटी का नाम लिखो, उस प्लांट की फैमिली का नाम लिखो, उसका वैज्ञानिक नाम लिखो, वो सारी चीज़ें भरो। और सबसे लास्ट वाला स्टेप बच्चों होता है उसका क्लासिफिकेशन करना। तो मैंने ये पॉइंट आपके लिखा है जानबूझ के, ताकि आप ध्यान रखें कि जो भी हार्बेरियम का क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट होता है वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पर आधारित होता है।
आज भी जो हार्बेरियम बनाए जाते हैं बच्चों, वो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिद्धांत पर ही बनाए जाते हैं, वो मॉडर्न सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हॉचिंसन, एंग्लर एंड प्रांटल, कॉन्क्रेस्ट, तख्ताजान, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्लासिफिकेशन बना दिए हैं जो उनसे ज्यादा एक्यूरेट हैं और ज्यादा एडवांस हैं, लेकिन क्लासिकल एग्जाम्पल आज भी बेंथम एंड हुकर का ही फॉलो होता है, और कोई भी हार्बेरियम का जो अरेंजमेंट है वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन से ही फॉलो होती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जब आप हार्बेरियम बना लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना होता है। उसको इस अलमारी में रखें कि इस अलमारी में, या इस अलमीरा में, कौन सी अलमीरा में रखें, और अलमीरा में इतनी सारी रैक हैं, कौन सी रैक में रखें, रैक में इतनी सारी फाइल हैं, फाइल में इतनी सारी हार्बेरियम पहले से हैं, तो इतना सारा ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं, तो आप नया प्रोडक्ट कहाँ रखोगे? तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मेरे हाथ में एक हाइपोथेटिकल हार्बेरियम है, मान लो दिस इज द हाइपोथेटिकल हार्बेरियम, राइट। अब इस हाइपोथेटिकल हार्बेरियम में मेरे हाथ में एक दूसरा हार्बेरियम है, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक दूसरा हार्बेरियम है जो मैंने अभी अभी बनाया है। इस पर मैंने क्या क्या किया है? इस पर मैंने सब चीज़ें बनाई हैं, चिपकाई हैं, ड्राई कराए, पॉइजनिंग कराए, ये मेरा हार्बेरियम है, और मेरे को इस हार्बेरियम के अंदर अपने इस प्रोडक्ट को रखना है, तो मैं इसको कहाँ रखूँगा? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप देखिए, यहां पर बहुत सारी फाइल रखी, वैसी एक फाइल मेरे हाथ में है। अब मेरे को इस वाले हार्बेरियम को इसके अंदर रखना है, तो मैं कहां रखूं? एक ऑप्शन है, मैं पहला पन्ना खोलूं और यहीं पर रख दूं ऐसे ऊपर, और ऐसे बंद कर दूं, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको खोलूं आराम से, इसकी स्टडी करूं, इसका एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, चार पन्ना, पांच पन्ना, और इसको किसी खास पेज के आगे और किसी खास पेज के पीछे यहां पर दबा दूं, या मेरा मन कर रहा है नहीं, मैं इसको यानी मैं इसको सबसे पीछे रखूंगा। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास है ना, कहीं पर भी रखने के। तो देखिए, इसको मैं जहां भी रखता हूं, मान लीजिए मैंने इसको सबसे पीछे नहीं, इसको मैंने ए बीच में यहां पे रख दिया, इसको मैंने 25 और 26 नंबर के बीच में रखा, ये 25 ये 26 इसको बीच में रखा। तो जब मैंने इसको 25 और 26 के बीच में रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 25 के पीछे है और 26 के आगे है, माने इस हार्बेरियम जो मैंने हार्बेरियम बनाई है, उस हार्बेरियम के कैरेक्टर 25 से प्रिमिटिव हैं और 26 से एडवांस हैं, इसीलिए मैंने इसको 25 और 26 के बीच में रखा। तो बच्चों, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप इसका सही ढंग से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो आप जिन दो के बीच में रखेंगे तो उससे इसकी एफिनिटी इस्टैब्लिश हो जाती है, पता चल जाता है कि आपने जो हार्बेरियम बनाया है उससे कितने एडवांस हैं हार्बेरियम और उससे कितने प्रिमिटिव हार्बेरियम है। तो सारी कुछ जानकारी आपको प्रिमिटिव और एडवांस हार्बेरियम की वहीं से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हार्बेरियम को समझने के बाद, हमारे पास एक रिमार्क है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के, होलोटाइप, सिनटाइप और आइसोटाइप। बच्चों, जब भी आप हार्बेरियम बनाते हो, तो हार्बेरियम बनाते वक्त आप एक ओरिजिनल हार्बेरियम बनाते हो और कुछ उसके डुप्लीकेट भी बनाते हो, ताकि कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा वाला आपके पास मेंटेन रहे। तो उसी लिए मैं बताता हूं, सम लीगल डिवाइसेस फॉर नोमेनक्लेचर आर यूज फॉर पर्टिकुलर टैक्सॉन, और उन्हें हम कहते हैं टाइप, और ये अलग अलग प्रकार के, इसको बच्चों हम टाइप स्टडी भी कहते हैं, टाइप स्टडी। तो जब हार्बेरियम बनाया जाता है तो उसी को हम टाइप स्टडी से रिलेट कर रहे हैं। जरा सुनिएगा बच्चों, एक होता है होलोटाइप, इट इज द मेन हार्बेरियम या स्पेसिमेन कलेक्टेड बाय द ऑथर एज अ ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड होलोटाइप, इसको ओरिजिनल टाइप भी बोलते हैं। यहां लिख देते हैं ओरिजिनल टाइप, ओरिजिनल टाइप। फिर दूसरा होता है बेटा आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है? जब आप एक हार्बेरियम बनाते हैं तो उसकी एक सब्स्टिट्यूट भी बनाते हैं, तो उसको कहते हैं इट इज अ डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, कॉल्ड आइसोटाइप। तीसरा होता है सिनटाइप, इट इज द अनदर कॉपी ऑफ होलोटाइप यूज्ड व्हेन होलोटाइप इज मिसिंग और डैमेज्ड। एक और कॉपी होती होलोटाइप की, जो आइसोटाइप ही एक्चुअली है बच्चों, और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब होलोटाइप कभी डिस्ट्रॉय हो गया या खो गया,
तब हम इसी सिन टाइप आइसोटाइप का इस्तेमाल करते हैं एज अ सिन टाइप। तो खोने के बाद वही आइसोटाइप बन जाता है सिन टाइप। आगे देखिए, एक होता है पैराटाइप। बच्चों पैराटाइप क्या होता है? इट इज अदर स्पेसिमन डिस्क्राइब बाय ऑथर एट द सेम टाइम। जब आप उसी समय एक होलोटाइप है आपके पास लेकिन आप एक और स्पेसिमन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोला जाता है पैराटाइप। फिर लेप्टोटाइप, इफ होलोटाइप इज मिसिंग ड्यू टू एनी रीजन एंड वी यूज अनदर काइंड ऑफ हार्बेरियम दैट इज कॉल्ड लेप्टोटाइप। और एक होता है नियोटाइप। नियोटाइप क्या होता है? अ न्यू मटेरियल टेकन बाय द ऑथर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ होलोटाइप दैट इज कॉल्ड नियोटाइप। एंड एक होता है टाइपोटाइप, कलेक्शन ऑफ एनी प्लांट फ्रॉम सेम प्लांट फ्रॉम वेयर होलोटाइप वर्ड टेकन दैट इज कॉल्ड टोपोटाइप। अब मुझे पक्का यकीन है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो देखिए एक डायग्राम से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो ये आपके पास एक मैंगो का ट्री है और आपके घर के पड़ोस में भी मैंगो का ट्री लगा है दैट इज ऑल्सो मैंगी फेरा इंडिका और वो भी दो लगे हुए हैं और एक आपके शहर से दूर कहीं दूरी पर मैंगी फेरा इंडिका लगा हुआ है, ये अनदर लोकेलिटी पर है। तो अगर आप इससे स्पेसिमेन यानी कि हार्बेरियम बनाते हैं पहला हार्बेरियम तो इसको बोलते हैं होलोटाइप और आप इसी से कुछ डुप्लीकेट हार्बेरियम बनाते तो इसको बोलते हैं आइसोटाइप। और जब ये होलोटाइप मिसिंग होता है डैमेज होता है तो आप इसी आइसोटाइप का इस्तेमाल करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, तब इसी आइसोटाइप को कहा जाता है क्या? इसी आइसोटाइप को कहा जाता है सिन टाइप। दिस इज कॉल्ड सिन टाइप। तो ये तीन तो आपको समझ में आ गए एक साथ, होलोटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप। अब जिस तरह से आपने यहां पर बनाया था अपने घर में मैंगी फेरा इंडिका से, वैसे आपके पड़ोस में मैंगी फेरा इंडिका है वहां पर जब आप सेम टाइम पर बनाते हो तो इसको बोलते हैं लेप्टोटाइप, लेप्टोटाइप। और दूसरे प्लांट से बनाया तो पैराटाइप और किसी अदर लोकेलिटी से लिया तो इसको बनाते हैं हम लोग नियोटाइप और इससे जब बहुत सारे और भी हम बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग नियोटाइप के बाद और क्या बोलते हैं हम लोग टाइपोटाइप। यानी कि ये टाइप स्टडी इज वेरी वेरी स्पेसिफिक स्टडी फॉर हार्बेरियम पर्पस। अब देखते हैं आगे, म्यूजियम। डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल डिवाइसेस है जो काम आता है हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स को और एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को स्टोर करने के लिए। ये एक प्रकार का स्टोर हाउस है, एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ डेड एनिमल एंड कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट। तो क्या है देखिए, म्यूजियम, म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेन। माने जो म्यूजियम होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों का कलेक्शन होता है और ये म्यूजियम कई तरह के होते हैं, जैसे आर्ट म्यूजियम होते हैं, साइंस म्यूजियम होते हैं, है ना, कल्चरल म्यूजियम होते हैं, इसके अलावा जो है हिस्टोरिकल म्यूजियम्स होते हैं। तो हमारे जो मतलब का है वो है साइंस म्यूजियम। जैसे एक कॉमन सा है इंडियन साइंस म्यूजियम, इंडियन साइंस म्यूजियम, और ये इंडियन साइंस म्यूजियम कोलकाता में है और इस इंडियन साइंस म्यूजियम में डिफरेंट टाइप के प्लांट और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को कलेक्ट करके रखा गया है ताकि वैज्ञानिक स्टूडेंट्स टीचर्स वहां विजिट करें और पुराने वक्त में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल का एनालाइज कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ हमने आपके लिए म्यूजियम यहां पर बनाए दिखाए हैं, म्यूजियम्स हैं, ऐसे म्यूजियम रखे जाते हैं डिफरेंट टाइप के। देखिए प्लांट्स हैं यहां पर, देखिए डिफरेंट टाइप के यहां पर प्लांट्स हैं, ये सब अलग अलग, ये देखिए प्लांट्स हैं सब, और यहां पर डिफरेंट टाइप के एनिमल के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। इनको
इनको देख करके आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा और आज के प्लांट्स और आज के एनिमल कैसे क्रिएट हुए होंगे, नए नए कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, देखिए आगे एक और टैक्सोनॉमिकल एड्स है, उसका नाम है बोटेनिकल गार्डन। बच्चों गार्डन तो आप सबने देखा ही होगा, आपके घर में भी गार्डन होंगे। गार्डन माने क्या? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। और कोई भी गार्डन बेटा बना बनाया नहीं होता, गार्डन बनाना पड़ता है। आप जब प्लॉट खरीदते हैं जहां पे आपको मकान बनाना होता है, तो उसमें गार्डन बना बनाया रेडीमेड नहीं होता। आप घर जैसे बनाते हो, किचन, डाइनिंग हॉल, सारी चीजें बनाते हो, वैसे ही गार्डन भी बनाना पड़ता है। और बच्चों गार्डन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स को वहां लगाना पड़ेगा, कहीं और प्लांट होते हैं उनको वहां से अपने घर में लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए किताबें लिखती हैं, और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बॉटेनिकल गार्डन है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन। माने जो बॉटेनिकल गार्डन है वो एक्स सी टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? तो जब वो एक्स सी टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर प्लांट को आप अपने गार्डन में ग्रो करा रहे हैं, वो प्लांट ओरिजिनली उस जगह का नहीं है। माने एक्स सी टू का मतलब होता है रिप्लेस कर दो। अगर किसी प्लांट को वहीं पे ग्रो कराओ जहां वो नेचुरली पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इन सी टू। और अगर किसी प्लांट को उस लोकेशन से रिप्लेस करके नई लोकेशन पर भेज दो, तो इसको बोलते हैं एक्स सी टू। तो प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो यहां पर कैसा हो रहा है? एक्स सी टू कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट एट इट्स एक्स हैबिटाट, यानी कि उसके जो हैबिटाट है उसके हैबिटाट से प्लांट को पिकअप कर लो और उसके नए हैबिटाट में आर्टिफिशियल या जो नया आपने क्रिएट किया हैबिटाट वहां पर उसको पहुंचा दो। तो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स एट इट्स एक्स हैबिटाट, उसके पुराने हैबिटाट जहां पे उसका पुराना हैबिटाट था वहां से प्लांट को उठाओ और उसको नई जगह पर पहुंचा दो, वहां पर उसको ग्रो कराओ, उसको पानी दो, खाद दो, उसका डेवलपमेंट करो। तो इसे बोलते हैं बॉटेनिकल गार्डन की तैयारी करना, ऐसे ही बॉटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं। लेकिन एक सामान्य गार्डन में और एक बॉटेनिकल गार्डन में क्या फर्क होता है? बच्चों आप सबके घर में कोई ना कोई गार्डन होगा, आपके घर में नहीं होगा तो किसी पड़ोसी घर में आपने गार्डन देखा होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सामान्य गार्डन में और एक बॉटेनिकल गार्डन में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से समझेंगे कि जो बॉटेनिकल गार्डन होते, मैं यहां लिख देता हूं, एक तरफ मैं करता हूं गार्डन के बारे में और एक तरफ बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। तो अगर गार्डन और बॉटेनिकल गार्डन की बात करें, तो जो गार्डन है, ये जो गार्डन है ये क्या है? सिंपल कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ प्लांट को गार्डन कहते हैं। और बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है? बॉटेनिकल गार्डन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स विद प्रॉपर डिटेल। तो आप किसी भी प्लांट के पास जाएं, उसकी देखें और उसमें प्लांट का डिटेल छोटा सा लिखा हो, जैसे मेरे देखो टी शर्ट पर लिखा हुआ है अनअकैडमी और एक यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, उस सिंबल से आप देख के अरे भाई ये तो अनअकैडमी के फैकल्टी हैं आपने पहचान लिया। तो इसी तरह से हर एक प्लांट के ऊपर एक टैग हो, एक नेम प्लेट लगी हो, जैसे पुलिस के पास एक नेम प्लेट होती है ना, चुलबुल पांडे, बोले ये इंस्पेक्टर साहब है, वैसे ही क्या हुआ प्लांट के ऊपर क्या है, एक नेम प्लेट होगी। उस नेम प्लेट को पढ़ करके आप पता लगा लेंगे कि ये प्लांट क्या नाम है इसका, साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, ये कहाँ ग्रो करता है, दैट इज सिंपली। तो एक गार्डन में ऐसा कुछ नहीं होता, केवल प्लांट्स होते हैं, चाहे आप उन प्लांट्स के नाम जानते हो चाहे आप उन प्लांट्स के नाम ना जानते हो। और दूसरा होता है बॉटेनिकल गार्डन, जहां पर आप उन सारे प्लांट्स के नाम भी जानते हैं, उनका डिटेल भी जानते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉटेनिकल गार्डन।
तो बोटेनिकल गार्डन और एक सिंपल गार्डन में यही डिफरेंस है कि बोटेनिकल गार्डन वेल डिस्क्राइब्ड एंड डिटेल्ड के साथ ग्रो कराए जाते हैं। दूसरी बात है कि इन गार्डन का इस्तेमाल एज अ रेफरेंस फॉर स्टडी अबाउट द प्लांट, यानी कि रेफरेंस की तरह इस्तेमाल होता है। जब भी कोई नया प्लांट डिस्कवर होगा तो वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है कि नहीं, उसकी ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, तो डिफरेंट बॉटेनिकल गार्डन का हम लोग स्टडी करते हैं और बता देते हैं कि भाई ये प्लांट तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। और सबसे लास्ट में होता है अरेंजमेंट आर बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सबसे क्लासिकल जो है वो बेंथम एंड हुकर का ही क्लासिफिकेशन है, तो उन्हीं के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ये सारा क्लासिफिकेशन किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगर आप ध्यान दें तो देखिए, मैंने बॉटनिकल गार्डन बनाए यहाँ पर, ये तो कुछ गार्डन्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन के नाम, इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन के नाम। तो इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन का सबसे फेमस नाम है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये लखनऊ में है। इसके अलावा एक और है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, इट इज़ इन बेंगलोर। इसके बाद एक और है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और ये क्यू में है इंग्लैंड में। तो बच्चों, इतने अच्छे अच्छे तरह के बॉटनिकल गार्डन हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आप लोग डॉक्टर बन जाइए, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आइए, और जो बच्चे ऑल इंडिया 1 रैंक लेके आएंगे उन बच्चों को हम प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे कि आपको रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी दिखाएं, आपको लाल बाग बॉटनिकल गार्डन भी घुमाएं, और आपको नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी दिखाएं, ताकि आप बॉटनी से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकें। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ऑल इंडिया रैंक क्रिएट करनी होगी। और आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेहनत करें तो आप वो रिजल्ट ला सकते हैं। बच्चों आगे चलते हैं अगली स्लाइड में, और अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। आप सब लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में चिड़ियाघर या जू जरूर गए होंगे। उसी जू को या उसी चिड़ियाघर को बच्चों क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। और जूलॉजिकल पार्क बच्चों इसलिए नहीं बनाए जाते कि हम वहाँ जाएँ, घूमें और बंदर को मूँगफली खिलाएँ और घर आके सबको बताएं, देखा देखा मेरे वाले ने मूँगफली खा लिया था, बंदर ने तुम्हारे वाले को नहीं खाया था। ये सब बंदर को मूँगफली खिलाया, बंदर ने मूँगफली खाया कि नहीं खाया, आपने चार लोगों को बताया कि नहीं, ये सब चीज़ें बेकार हैं। ये सब चीज़ें जूलॉजिकल पार्क का पर्पस नहीं है। जूलॉजिकल पार्क बच्चों इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप वहाँ जाएं और एनिमल्स के हैबिटेट को, एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी कर सकें, और जो एनिमल्स ख़त्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिनकी संख्या धीमे धीमे ख़त्म हो रही है, उनको कंजर्व किया जा सके, उनको बचाया जा सके, और उस जू में उनके फीडिंग की और उनके ब्रीडिंग की बहुत सुंदर व्यवस्था की जा सके, इसीलिए बच्चों जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कंजर्व फॉर बेटर फीडिंग एंड बेटर ब्रीडिंग, एंड दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन आर कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटाट से रिप्लेस करके उनको नए हैबिटाट में रखा जाता है, पाला पोसा जाता है और बड़ा किया जाता है। ये हो गया जूलॉजिकल पार्क। अगर आप जूलॉजिकल पार्क को देखें तो जूलॉजिकल पार्क इस तरह से होते हैं जिसमें बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं, बहुत से तरह तरह के एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं और अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कराते हैं, दैट इज कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन पर ही बेस होगा। और ये भी ध्यान रखना कि जूलॉजिकल पार्क का यूज हम लोग एज अ रेफरेंस भी करते हैं नए एनिमल को आइडेंटिफाई करने में। फिर क्या आता है बच्चों, फिर अगला आता है टैक्सोनॉमिकल कीज। दे आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल कीज। टैक्सोनॉमिकल कीज माने क्या, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम टैक्सोनॉमिकल कीज के नाम से जानते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में हेल्प करती हैं, उन्हीं को टैक्सोनॉमिकल कीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
जो की बनाई जाती है, मान लीजिए यहां पर बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं और कुछ प्लांट्स में थॉर्न, कुछ प्लांट्स में थॉर्न प्रेजेंट हैं और कुछ में थॉर्न एब्सेंट हैं, थॉर्न प्रेजेंट एंड थॉर्न एब्सेंट। तो हमने देखा कि जिनमें सिमिलरिटी थी उनको थॉर्न वालों को एक तरफ डाल दिया, जिनमें थॉर्न नहीं थे उनको एक तरफ डाल दिया। इस तरह से हमने की बनाना शुरू किया। और ये जो कीज होती हैं ये कैसी होती हैं, ये एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाए कि थॉर्न है कि नहीं है तो आप कीज भी नहीं बना पाओगे, और कीज नहीं बना पाओगे तो क्लासिफिकेशन भी नहीं कर पाओगे। तो कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, और ये प्लांट में भी अप्लाई होती हैं और एनिमल में भी अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एक स्टेप और आगे ले जाऊं, एक मिनट, यहां पर एक स्टेप और आगे ले जाऊं कि आपको अगर की बनानी है तो की बनाने के लिए आपको कपलेट बनाना पड़ेगा, कपलेट। और कपलेट माने होता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे मैंने आपके सामने एक लिया थॉर्न प्रेजेंट थॉर्न एब्सेंट, तो दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, तो इन दोनों कैरेक्टर को पेयर में जब पढ़ेंगे कि थॉर्न प्रेजेंट थॉर्न एब्सेंट, तो इसी को बोलेंगे कपलेट। और हर एक की को बनाने के लिए कपलेट बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने एक कपलेट बना के बता दिया कि थॉर्न है थॉर्न नहीं है। बच्चों जिस ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है इनको अलग अलग बोलते हैं, ये लीड वन एंड दिस इज लीड टू, यानी कि जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं लीड, उनको लीड कहा जाता है। दो लीड मिलकर के एक कपलेट और एक कपलेट से एक की। तो कपलेट और लीड और की आप तभी बना पाएंगे जब आपको एनालिसिस करना आता होगा। अगर आप प्लांट को देख करके उसकी एनालिसिस ही नहीं कर पाते तो आप की भी नहीं बना पाएंगे, और जब आप की नहीं बना पाएंगे तो आगे क्लासिफिकेशन में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए की बना, अच्छा, हर एक टैक्सोनॉमिकल रैंक की अलग होती है, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब की जो टैक्सोनॉमिकल की बनती है, एक रैंक की उसी रैंक के सभी टैक्सॉन में काम आती है, दूसरे टैक्सॉन में काम नहीं आती, ये भी ध्यान रखने की बात है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट में आगे है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन, ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ये दैट इज कॉल्ड यू नो फ्लोरा। तो फ्लोरा माने कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम। बच्चों एक निश्चित समय पर एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्लांट का कलेक्शन क्या कहलाता है, फ्लोरा। सपोज मैंने बनाया फ्लोरा ऑफ लखनऊ, फ्लोरा ऑफ लखनऊ, तो लखनऊ शहर के अंदर जहां तक लखनऊ की पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर एक सन ले लिया 2010 से 2015 या 2001 से 2010, एक निश्चित टाइम पर कितने टाइप के प्लांट पाए जाते हैं उसका कलेक्शन कहलाएगा फ्लोरा। गॉट इट? तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लोरा के बारे में। अब दूसरा है फुना। फुना का मतलब होता है एनिमल्स, जैसे फ्लोरा होता है वैसे ही फुना होता है, लेकिन फ्लोरा होता है प्लांट्स के लिए, फुना होता है एनिमल्स के लिए। अगला है मैनुअल। मैनुअल माने क्या, हाउ टू डू टैक्सोनॉमी, हाउ टू डू टैक्सोनॉमी। आप जब कोई मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदने के बाद क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, और उसको यूज करते हैं तो मोबाइल को खोलते हैं, उसमें बैटरी निकलता है, उसमें ईयर प्लग निकलते हैं, उसमें एक बुकलेट भी निकलती है, बहुत सारा सामान निकलता है। आप क्या करते हैं, उस बुकलेट को पढ़ते नहीं है। अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा कि पहले पॉलीथीन के अंदर से बैटरी को निकालो,
फिर उस बैटरी को मोबाइल पे लगाओ, फिर उसका फ्लैप बंद करो, फिर लाल वाली बटन को देर तक दबाओ, फिर वो नोकिया किया सैमसंग की ट्यून बजेगा और आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, है ना। और फिर आप उससे बात करते हैं, हेलो 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 हेलो, लेकिन भाई सिम तो लगाया नहीं, सिम तो लगा ले। यही तो मैनुअल है भाई, ऐसे ही टैक्सोनॉमिकल मैनुअल्स होते हैं, हार्बेरियम कैसे बनेगी, है ना, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, यही तो है टैक्सोनॉमिकल मैनुअल, जिसमें हमको सिखाया जाता है कि टैक्सोनॉमी करनी कैसे है। गॉट इट। अब बात करें मोनोग्राफ की। देखो अभी मैंने आपको फ्लोरा बताया था, अब उसी को मोनोग्राफ में समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है और इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में मैं पर्टिकुलर टैक्सॉन की स्टडी करूं, टैक्सॉन की, तो स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर टैक्सॉन इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड ए पर्टिकुलर टाइम, माने अगर किसी फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सभी प्लांट की स्टडी करी जाए, जितने प्लांट हैं सभी की स्टडी करी जाए, अगर सारे प्लांट की स्टडी करोगे तो वो बन जाएगा फ्लोरा। लेकिन आप एक पर्टिकुलर टैक्सॉन को पकड़ लोगे और उसके कितने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं तो वो बन जाएगा टैक्सॉन। जैसे लखनऊ के अंदर सारे के सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स की स्टडी करो तो वो क्या है, वो है फ्लोरा। लेकिन अगर आप एक मैंगीफेरा इंडिका पकड़ लो और मैंगीफेरा इंडिका के ही सारे कैरेक्टर की स्टडी करो, या मैंगीफेरा इंडिका के सारे वेरिएंट्स को पकड़ो, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ। और अब क्या होते हैं, कैटलॉग। कैटलॉग माने क्या, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में सभी प्लांट्स का वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर किया जाए तो उसको बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको हम नए नए वीडियो शेयर करते रहें, आपको नए नए वीडियो पहुंचाते रहें और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच।